सिस्टम और सरकारी इंतजाम के सामने आम इंसान बेबस है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें बेबसी है, तकलीफ है, दर्द और अपनों को खोने का गम है। और आप जब ये सब सुनेंगे तो खुद से पूछेंगे कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का जुड़ेगा। गोपाल कृष्ण ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं रुक्मणी ट्रस्ट के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजू अय्यर जिन्होंने कोरोना से अपनी मां को खोया है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर एम वली जो सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल में वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर वली आपका रुख करना चाहूंगी और शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी चर्चा की। ये जो स्थिति आकर देश के सामने खड़ी हो गई तब जब दुनिया के देश अपने को कोविड फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं, हम एक साल पुरानी स्थिति में कैसे पहुंच गए? क्या हमारी नीतियों में, हमारी तैयारी में या हमारी समझ में कमी रह गई? इस वक्त बहुत भयावह स्थिति है और इसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये हमने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था, शायद वहाँ गलती हुई है। और जब अक्टूबर में इसका स्ट्रेन आया था उस समय हमको जो जीनोमिक हमने स्टडी का सेंटर बनाया था उसको आगे शायद नहीं बढ़ा पाए, उसकी वजह से वायरस म्यूटेट कर गया है। ये अब वायरस म्यूटेट कर गया है, इसके कई कारण हैं, एक वायरस का बिहेवियर भी होता है जो जिसकी वजह से म्यूटेट किया है, तो ये एक्सपेक्टेड था। और जो म्यूटेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक में वायरस कम खतरनाक हो जाता है, एक में ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसमें ऐसा लगा है कि ये इसकी जो एडेसिव पावर है, चिपकने की शक्ति है, वो तो इस वायरस ने बढ़ा ली है। और इसके दो म्यूटेशन हमने उसी समय पहचान लिए थे और तीसरा म्यूटेशन थर्ड म्यूटेंट अब आ गया है। तो ये इसको हमको तेज गति से इसको पकड़ना पड़ेगा, ये हमको कछुआ खरगोश की दौड़ नहीं करनी है, हमको इसको फाइट करना है। और अभी हमारे पास सिर्फ एक साधन है फाइट करने का कि हम अपने को छुपा के घर में रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें। अभी हमारे पास और कोई साधन नहीं है, जो दवाएं हमारे हाथ में है वो कोई रामबाण नहीं है और वो दवाएं इसके लिए कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कोई हमारे पास हथियार नहीं है मास्क के अलावा और घर में रहने के अलावा इस समय, जो हम इस पे काबू पा सकें। ये अगले आने वाले दो हफ्ते बहुत खतरनाक हैं, इन दो हफ्तों में हमें घर में रहना है। डॉक्टर वली, लेकिन समस्या ये ना कि दिल्ली में तो 6 दिन का लॉकडाउन है, ज्यादातर राज्यों में रात का नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लोगों को काम के लिए भी निकलना है, तो उनकी ये मजबूरी भी समझनी पड़ेगी कि कैसे अपने को घर में कैद करें। हमारे साथ गोपालन कृष्णन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रुक्मिणी ट्रस्ट के, वो भी दिखने लगे हैं। राजू अय्यर जिन्होंने कोरोना से अपनी माँ को खोया है वो भी जुड़ रहे हैं। राजू अय्यर, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या पूछूं और क्या कहूं। ये सत्ता पक्ष की नाकामी है, ये हम नागरिकों की नाकामी है, हमारे हेल्थ सिस्टम इस तरह चरमरा गया, मैं क्या कहूं, मैं मेरी समझ से परे है, पर मैं आपका अनुभव सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं अपना अनुभव शेयर करने से पहले मैं यही कहूँगा कि पिछले 14-15 महीने से जो ये कोरोना हो रहा है, हम सब जो इम्पैक्टेड नहीं थे, हम सोचते थे कि सब कुछ सही है और जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर हॉस्पिटल चाहिए होगा तो हॉस्पिटल मिल जाएगा, दवाइयाँ मिल जाएंगी, अब किसी ना किसी तरह से हम इससे बाहर आ जाएंगे। मगर मैंने देखा कि जब मेरी माँ को ये हुआ तो एक बेड ढूँढने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और फाइनली मैंने अपना घर में ही एक नर्स इंतज़ाम किया, दवाइयाँ दी, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जो दवाइयाँ हैं वो भी मिलनी बंद हो गई और 2000 की दवाई 22000 में मिल रही थी। और फाइनली मेरे को एक बेड मिला तो एम्बुलेंसेस नहीं थे, और एम्बुलेंसेस मिला तो उसमें भी अच्छी तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल जो कन्वर्टेड हैं उनके अपने इंफ्रा के चैलेंजेस हैं। एडमिट किया, विद इन 12 आवर्स माय मदर कोलैप्स्ड एंड शी डाइड। हॉस्पिटल ने मुझे कहा 1,00,000 रुपए जमा करा दो, और अगले दिन जब मैं गया तो उन्होंने बोला माय मदर इज़ नो मोर, और सरप्राइजिंगली उतने का ही बिल मुझे दे दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह लोगों को एक मजबूरी महसूस हो रही है, हर चीज़ इतने व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए कि यहाँ बेड अवेलेबल है, यहाँ बेड अवेलेबल है। सारे मैसेजेस में जो फ़ोन नंबर थे कोई चल ही नहीं रहा, ना पिक हो रहा,
तो इस तरह से लोग एकदम बेबस से हो गए कि अब कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ पर सोचें कि कहाँ ले जाएं, जबकि कई जगह पैसे की भी किल्लत नहीं है, लेकिन हाँ पैसे भी गलत लिए जा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा कि ये सब नागरिक की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, बट सबको मिलजुल के करना है। इस वक्त मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये कि युद्ध स्तर पे चल रहा है, जैसे किसी ने हमला कर दिया हो रहा हमारे पर। मैं समझ सकती हूँ, मिल के एक दूसरे का हेल्प करना, समझ सकती हूँ राजू भैया। और आपने अपनी माँ को खोया है, लेकिन शायद आज ये प्रार्थना आप भी कर रहे होंगे कि किसी का भी अपना इस बीमारी की भेंट ना चढ़े। गोपालन कृष्णन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपालन जी, मैं आपका भी अनुभव सुनना चाहूंगी। आप देख ही रहे हैं कि पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, किसके सिर पर ठीकरा फोड़े ये भी नहीं समझ में आ रहा है। गोपालन जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी, मेरी टेक्निकल टीम। आपने स्काइप पे कहीं म्यूट तो नहीं किया हुआ है अपने को सर? नहीं, जी आवाज आ रही है अभी। आपकी जी बोलिए गोपालन। कह रहा हूं कि मार्च 2020 में हमें पता था कि कोविड जैसे सिचुएशन और पेंडेमिक होने वाली है, क्योंकि बाकी सारे दुनिया में ये ऑलरेडी फैल चुकी थी। हमें कहा गया था कि लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के बेसिस में हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें 6-6 फुट की दूरी में रहना चाहिए। हमने तो सब पालन किया है, 14 महीना निकल गया, हमने सारा चीज फॉलो किया है। आज 14 मंथ्स के बाद हमें कहा जा रहा है कि ना बेड है, ना RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। RT-PCR फैसिलिटीज के लिए कोई फोन नहीं उठा रहा है। मेरे खुद फैमिली के आज तक RT-PCR टेस्ट नहीं हुई है, उनका रिपोर्ट तो आने का बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट कर नहीं पाएंगे। हमारा हालत इतना बुरा है क्या? इंडिया का हालत इतना बुरा है? डेवलप नेशन है हम, हमारे पास RT-PCR टेस्ट नहीं होता है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। अब रहा क्या? आई मीन वी आर अ नॉर्मल सिटीजन, हम सिटीजन हैं, हम सिर्फ रूल फॉलो कर सकते हैं, काम किसी दूसरे को करना है। अब कर नहीं रहे वो लोग काम, कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं है उनके पास। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमें आज दवाई नहीं मिल रहा है? डेथ इज टर्न्ड इनटू अ बिजनेस इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। अब देखिए, एक जो 800 रुपया का मेडिसिन है वो 28,000 में बेचा जा रहा है। कौन जिम्मेदार? ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए 6,000 का, आपको मिल रहा है 20,000 में। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं पूछ रही हूँ गोपालन जी, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार? अगर आज हम यहाँ पहुंच गए, एक साल बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कौन जिम्मेदार? No, absolutely. There's no doubt about it. The government and the bureaucracy is responsible for it. There's no question about it. Because what have they done in the last 14 months? जो उन्हें करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ अभी तक? I mean, हमारे पास RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं आज. I mean, how is that possible? हमें पता है कि we have 1.3 billion people. हम रोज चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा total population है 1.3 billion. अगर हमारा इवन 15% इफेक्ट हो जाता है तो वी नो व्हाट इज द स्टेटस स्टैटिस्टिकली, हमें पता है कि क्या क्या नंबर है। हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितने हॉस्पिटल है, हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितने। ये डर तो एक साल पहले भी था कि जिस तेजी के साथ संक्रमण और देशों में फैला है, अगर हमारे देश में आ गया तो हम 130 करोड़ का देश और इतना डेंसली पॉपुलेटेड हमारे शहर, हमारे गाँव, यहाँ तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। और जो डर था वो कहीं सच साबित हो गया। मैं डॉक्टर वली का एक बार रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर वली, हम अपनी बड़ी पीठ थपथपाते थे साहब अफगानिस्तान से, गल्फ कंट्रीज से, हमारे यहाँ तो इलाज के लिए लोग आते हैं, फार्मा में हम बहुत बड़ी ताकत हैं। कहाँ गई वो सारी ताकत? हमारे मरीजों को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही। ये इतनी अव्यवस्था थी हमारे देश में जो आज पोल खुल रही है। रोना आ रहा है, बहुत मुश्किल को। मुझे घर में रह के भी ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं बाहर से कूद के कोरोना घर में ना घुस जाए। ये इतनी बड़ी चैलेंज है। और B.1.6.1 ये वेरिएंट और इसके जो दो वेरिएंट थे E.484 और 4542, ये कहीं अक्टूबर में पता चल गया था। इस पे शायद जीनोमिक स्टडीज वाली लैब को डेवलप करना था, गवर्नमेंट ने इसके लिए वो भी किया था, इंसाकॉक बनाया था,
लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ स्लो हुआ है वर्क, तो उसमें अब हम उसको पावरफुल बनाएंगे और आगे चल के कोरोना के म्यूटेशन को स्टडी करेंगे। वैक्सीन में हम ठीक थे, अभी वैक्सीन वाला एस्पेक्ट ठीक चल रहा है और हमको जल्दी से जल्दी आगे आके वैक्सीन लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाएगा, क्योंकि एक बार संक्रमण जिसको हो जाता है वो बचता नहीं है, और मतलब उसको वो कोई तरीका नहीं है, एंटीबायोटिक की तरह की कोई दवाई नहीं है इसके लिए, सिर्फ हमको वेट एंड वॉच करना होता है। और डॉक्टर वली, क्या हमारी गलती ये हो गई, डॉक्टर वली क्या हमसे ये गलती हो गई, हमारी सरकारों से ये गलती हो गई? वैक्सीन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेमडेसिविर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आज जब देश को जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी नहीं, हमारे पास हमें कमी हो रही है। एक्सपोर्ट का दो चीजें बताऊंगा मैं, मुझे एक मिनट दे दीजिएगा जी। दो चीजों का करना चाहिए, एक्सपोर्ट इज ऑलवेज ए सरप्लस क्वांटिटी, आई थिंक देयर इट शुड बी सुपरवाइज्ड एंड चेक। बट दूसरी जो मैं चैलेंज देख रहा हूँ ना, इसमें बच्चों का और एडल्ट्स का, हमारी उम्र के लोग तो है ही हैं, वो ज्यादा प्रोन है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और छोटे बच्चों को कोरोना पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, कि जिस घर में अगर एक बहू और बेटा है उनके बच्चे को भी, छोटा बच्चा जो 2 साल का गोद में है उसको भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा चैलेंज है पीडियाट्रिशियंस के लिए, बच्चों के डॉक्टर्स के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा, ये मल्टी इन्फेक्शन सिंड्रोम MIST जो बच्चों को होता है, इसमें ज्यादातर ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, पता नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है, आपने सब शॉर्टेज की बात की, जो मेरे भाई बहन है डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिक्स, वो कहीं उनकी मशीनरी ना एग्जॉस्ट हो जाए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के वो शुरू की संवेदना को यहाँ लाऊंगा कि उन्होंने शुरू में इस संवेदना को प्रकट किया है, लेकिन 3-3 दिन 2-2 दिन डॉक्टर्स घर नहीं जा रहे हैं, कुछ तो 15-15 दिन तक अस्पताल में रह रहे हैं, 1-1.5-1.5 दिन हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स किट पहन के रह रहे हैं, मास्क लगा के रह रहे हैं, कप चाय भी नहीं वो पी सकते बीच में, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही भयावह है, और हमें अपने वर्कफोर्स को संजो के रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब नेक्स्ट किसकी बारी ना आ जाए, मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है, हमको अपने फोर्स को, ये जो मेडिकल फोर्स है इसको संजो के रखना है, ऑक्सीजन को मिलाकर। अब इस देश के नागरिकों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें ही अपने को बचाना है, क्योंकि अस्पताल में सरकार हमें बेड दिला नहीं पाएगी, दवा दिला नहीं पाएगी, ऑक्सीजन हम तक पहुंच नहीं पाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने दर्द को बांटने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।